नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल लाइव बताने वाला हूं एनटीए की वेबसाइट पर जेईई मेंस 2024 सेशन 1 का रिजल्ट कैसे देखें। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, मतलब स्कोर कार्ड नहीं देखा है, तो आप भी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग के दौरान इस स्कोर कार्ड की आपकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बिल्कुल लाइव देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियो आपको रेगुलरली आगे भी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने जैसे मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद से गूगल ओपन करना है और गूगल पर जाकर एनटीए जेईई मेंस लिखना है। देखिए, मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है। आपको क्या लिखना है? एनटीए जेईई मेंस। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी मेन वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीए जो है हर साल जेईई मेंस का जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो कि साल में दो बार कंडक्ट होता है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है आप यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। अगर आपको जैसे सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो ये इसी से कर सकते हैं। और अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आपको जो है सबसे पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके पास में आप देख पा रहे होंगे जेईई मेंस 2024 सेशन 1 बीटेक, क्लिक हेयर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड। इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए, अभी जो है सर्वर थोड़ा सा बिजी चल रहा होगा, तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे। बाकी जो है अगर आप जैसे कि इवनिंग तक रिजल्ट डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं, और उसके बाद कभी भी आपको जो है अपने सेशन 1 का रिजल्ट डाउनलोड करना है, स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, तो कभी भी आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस टाइप से आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जेईई मेंस 2024 सेशन 1 दे रखा है, जो कि जनवरी 2024 में हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी डिटेल दे रखी है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी भी मेंशन है। इसके अलावा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मध्य प्रदेश है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेपर 1 और एनटी स्कोर दे रखा है। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, मैथमेटिक्स में कितने मिले हुए हैं, मैथ्स में आपको टोटल परसेंटाइल यहाँ पे मेंशन है। और टोटल परसेंटाइल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी का मिला के 98 के अराउंड है। तो इस टाइप से जो है आप अपना एनटीए की वेबसाइट से जाके जो है जेईई मेंस का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है सेव एज पीडीएफ, या प्रिंट देना है आपको तो डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। तो इसको आप जो है अपने जहाँ भी है सिस्टम में या आप मोबाइल में सेव करके रखें, क्योंकि आगे काउंसलिंग के दौरान जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। होप इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि कैसे एनटीए की वेबसाइट से जेईई मेंस का स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जाता है। आप कभी भी कर सकते हैं जब तक काउंसलिंग चलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं जेईई मेंस के, तो अगर आप जेईई सेकंड देना चाह रहे हैं तो आप एनटीए की वेबसाइट से जाके उसका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। क्या प्लेलिस्ट में जाके हमने एक सेपरेट वीडियो दे रखा है, उसको भी देख के जो है आप पूरी डिटेल जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।